सो गाइस, आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल में एंड वहाँ पे जाके मैं सिर्फ पूरा दिन नहीं पूरी रात मतलब ओवरनाइट रहने वाली हूँ। एंड मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये ओवरनाइट चैलेंज मुझे इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं पकड़ी गई तो मुझे पक्का जेल भेज दिया जाएगा। आपको क्या लगता है आज मेरे साथ क्या क्या होने वाला है? गाइस, इस वीडियो में मेरे साथ जो भी कुछ चीजें हुई ना, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सब चीजें मेरे साथ होंगी। ये मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा खतरनाक चैलेंज था। तो पूरा वीडियो देखो देखने के लिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उबला हुआ आलू जैसे मेरे गाल और घोड़े के पूंछ जैसे मेरे बाल। आप सबको मुबारक हो नया साल। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। एंड आज मैं आ चुकी हूँ इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल, कोलकाता की बिगेस्ट मॉल, साउथ सिटी मॉल। यार, जब मैं एंट्रेंस पे वीडियो बना रही थी तब भी मुझे बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सन ने देख लिया था और उन लोगों का रिएक्शन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड इवन गाइस, मॉल में एंटर करने के बाद मेरे कैमरा पर्सन को एक सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए, जबकि हम लोग फोन से वीडियो बना रहे थे। बट फिर भी हमने चोरी छुपे हमारा कैमरा को ऑन रखा और यहाँ पे मैं डरते हुए फोन पे बात करने की एक्टिंग करते करते अंदर आ गई, वो भी बिना सिक्योरिटी चेक कराए। जिंदगी में पहली बार मैंने देखा मॉल्स में शॉप्स ओपन होते हुए। मतलब मैं जब मॉल में आई थी ना तब सारे के सारे स्टोर्स क्लोज थे। अभी भी कोई भी नहीं है मॉल में। देख के ऐसा ही लग रहा है कि मॉल पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैंने मॉल को खरीद लिया है, तो जिसको भी आना है आ जाओ यार, सारी चीजें फ्री में लेके जाओ। क्यों नहीं करे, बाप का माल है। यार, इतना ज्यादा खाली मॉल मैंने जिंदगी में नहीं देखा, तो इसलिए तो मैं डांस करने लगी, वो भी नाइट सूट में। देख रहे हो, मॉल इतना ज्यादा खाली था कि मुझे नाइट सूट पहने हुए भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा था यार। मतलब कोई भी था ही नहीं देखने के लिए। और जब मैं ये सब कर रही थी तब अचानक मैंने नोटिस किया मेरे पीछे ये रेड शर्ट पहना हुआ आदमी मुझे फॉलो कर रहा था और मेरी तरफ घूर रहा था। एंड गाइज, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कॉल करके इन सिक्योरिटी पर्सन को ही बुलाया था। तो मैं तो वहां से तुरंत वॉशरूम में भाग गई और वॉशरूम में भी जाके मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स थे और इस पूरे मॉल में वीडियोग्राफी ही अलाउड नहीं है। गाइस, आज मैं शूट करने तो जाने वाली हूँ बट ये विंटर टाइम में ना मेरे लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और इसके लिए मेरा नंबर वन सेवियर है मार्स एक्वा स्प्लैश टिंटेड लिप बाम। मार्स के एक्वा स्प्लैश टिंटेड लिप बाम में रहता है शिया बटर, जो हमारे लिप्स को बहुत सॉफ्ट बनाता है। विटामिन ई रहता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है एंड ड्राइनेस को बिल्कुल रिमूव कर देता है। जुजोबा ऑयल रहता है, जो लिप्स को बिल्कुल स्मूथ कर देता है। एंड कोको एक्सट्रैक्ट भी होता है, जो नरिशिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। ये लिप बाम हाइड्रेटिंग होने के साथ साथ टिंटेड भी है एंड बहुत सारे शेड्स में आता है गाइस, तो आपको आपका पसंद का शेड तो 100% मिल जाएगा। एंड इसकी फ्लेवर फ्रेग्रेंस इतनी सुंदर है कि आपको यूज करने से इससे प्यार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो हाइड्रेशन है ना वो 24 आवर्स तक लास्ट करता है एंड ये बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है, सिर्फ और सिर्फ 129 रुपीज। गाइज, आई एम श्योर कि मेरी तरह आपको भी मार्स के लिप बाम्स बहुत अच्छे लगेंगे। स्पेशली मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करते हो उधर आपको मिल जाएगा 20% ऑफ। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जल्दी से चेकआउट करो एंड हमारे प्रोडक्ट टैग भी कर दिया एंड ले लो, सही में बहुत अच्छे हैं। गाइस, मैं वॉशरूम में आ तो गई हूँ और मेरे पास ब्रश और टूथपेस्ट दोनों है। स्पेशली वॉशरूम में तो शूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो हम ऐसे एक्टिंग करने वाले हैं कि हम वीडियो कॉल कर रहे हैं। ब्रश करना महंगा पड़ सकता है, हो सकता है कि हमें मॉल से निकाल दे। फिर भी मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? पहले टूथपेस्ट को लेकर ब्रश पर पानी से कुल्ला करके दांतों को साफ करो, रोज सवेरे उठकर पहले ब्रश करो। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है यार। 24 आवर्स कंप्लीट करने के चक्कर में मैं इतनी जल्दी जल्दी मॉल में गई थी ना कि फूड कोर्ट में एक दो लोग के अलावा कोई भी नहीं था, तो मैं तो पूरा राज करने वाली हूँ। चलो खाना ऑर्डर करते हैं। सो गाइस, सुबह सुबह आज मैं पीने वाली हूँ 300 रुपए की कॉफी। इतनी सी कॉफी, इसकी प्राइस 300 कैसे हो सकती है? अगर घर में रहती ना तो 5 रुपए से भी कम वाली चाय पीती। I just need my coffee, 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 oh. ऊपर से यार कॉफी का टेस्ट तो मुझसे पूछो मत, मैंने 5-5 पैकेट मिलाया चीनी का, फिर ये अच्छा लग रहा था मुझे। Three, two, one, go!
यार ड्रेस तो मैंने चेंज कर लिया, पर मैंने अचानक नोटिस किया दो दो सिक्योरिटी पर्सन मेरी तरफ देख के कुछ बातचीत कर रहे थे। ठीक है, और वो लोग मेरे पास आए और मुझे फिर से बोला कि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। So guys, अभी तक मैं फुल बिना मेकअप के मॉल में घूम रही थी। मैंने ट्रेन में मेकअप किया, मैंने बस में मेकअप किया, मैंने मेट्रो में मेकअप किया, मैंने फ्लाइट में भी मेकअप किया, एरोप्लेन में, ठीक है, उड़ते उड़ते। थोड़ा सा मेकअप तो मॉल में भी करना बनता है यार। तो चलो लेट्स डू सम मेकअप। ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? हेलो, मैं तनी भी हूँ, छोटी सी मिनी भी हूँ, मेकअप करके आती हूँ, दोस्तों को दिखाती हूँ, बटन को जलाती हूँ, नए दोस्त बनाती हूँ, उनको मैं बताती हूँ कि बटन मेरा नल्ला है। Only me, thank you God. Only me, no pagal, all pagal. Thank you. Target locked. हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। अब ये कौन है बे? आपसे एक बाइट खा सकती हूँ? हाँ, श्योर? सच में खाऊ? हाँ। खा लू? हाँ खा लूंगी। सीरियसली? हाँ सीरियसली। पहले आप खाओ। पहले आप मेरे से एक खाओ। खा लू मैं? हाँ। सच में आप भी खा सकते हैं? मजा आया। ये पी लू थोड़ा सा। हाँ मतलब ये एक्चुअली भूटा है। भूटा है? मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर पी लू मैं? हाँ। सच में? श्योर? श्योर। आपको दिक्कत नहीं है ना? सच में पीऊं? ये जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अभी आप दोनों बोलो आपको क्या खाना है मेरे तरफ से। आपने मुझे खिलाया, कुछ तो खाओ। आप कुछ खाओ प्लीज। आपको पता है, आप जानते हो मुझे? ओ माय गॉड, इसलिए आप शॉक नहीं हुए होंगे ना? यार नील हर्ट्स होते ही अच्छे हैं। मतलब जिसको आपको अगर कुछ खाना है इनके पास आ जाना, ये आपको फ्री में हल खिला देंगे, है ना? कल मैनू एक कुड़ी मिली जिदे गल्लां दे विच टोरे मोए 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 मोए। ले लूं मैं? सच में ले लूं? हाँ। आप दे लोगे मुझे? हाँ। आपको नहीं खाना है? फैन हो? यस। नीना ड्रॉप? ओह माय गॉड, आ जाओ। जस्ट लुकिंग लाइक अ फ्लाउ। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं आपसे खा रही हूँ, आप मुझे खाने भी दे रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना? थैंक यू। वीडियो बना रही हूँ, हाई कर दो एक बार। उठो, बुरा तो नहीं लगा ना? चलो अभी सच में खिला देती हूँ। मेरे बाबू ने खाना खाया। सो स्वीट। बाय बाय गाइस। स्ट्रेंजर्स फूड खाने के बाद मैं लेके आई हूँ जायंट डोसा। डोसा गाइज, मैं मिली मेरे बहुत सारे नील हर्ट्स के साथ। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने सारे नील हर्ट्स मुझे मिल जाएंगे मॉल में। अच्छा आपको क्या लगता है मैं आज 24 आवर मॉल में रह पाऊंगी या नहीं? Yes, why not? रह पाऊंगी? आपको क्या लगता है? एकदम नहीं पॉसिबल है। मुझे ये लगता है जब ये बंद होगा आप बोले प्लीज गेट आउट, निकाल देंगे। यार मैं तो टेंशन में हूँ कि मुझे जेल ना भेज दे ये लोग। जेल नहीं भेजेगा, आप अपना बस सब्सक्राइबर दिखा देना बस। यार कितने प्यारे नील हर्ट्स हैं मेरे। यार आपको एक बात पूछूं? जी अभी तो ऑलरेडी रात हो चुका है, ठीक है, आप घर जा रहे हो ना, तो आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे रात में रह पाऊंगी या नहीं? बोले तो बोले क्या? मेरे को तो नहीं लगता वैसे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं कर पाए चैलेंज। गाइज आप देख ही सकते हो कि फूड कोर्ट ऑलमोस्ट खाली हो चुका है एंड अभी लास्ट ऑर्डर प्लेस करने का टाइम भी आ चुका है। तो चलो जल्दी से ऑर्डर करते हैं, क्योंकि नहीं तो हमें डिनर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो जल्दी से चलो ऑर्डर करते हैं। गाइज इस टाइम पे तो मॉल के वर्कर्स भी चले गए थे। आप देखो ये रिसेप्शन एरिया बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था यहाँ पे। गाइज आप देख सकते हो कि फूड कोर्ट ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। একদমই মানে দেখুন আপনি টিকটক এর ভিডিও করে আর ব্লগিং করে দুটো আলাদা আমি অলরেডি মানে মাইক অন লাগিয়ে দিয়েছি একদম মানে থ্যাঙ্ক ইউ ঠিক আছে ঠিক আছে।
यार अभी ना इतना सोच समझ के वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्या ही बताऊँ, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है कि मैं अगर पकड़ी गई तो मुझे शायद ये लोग जेल भेज देंगे। तो ये रहा हमारा खाना। आज मुझे जेल भेजा जाए। जितना धीरे मैं खा रही थी, क्योंकि जितना लेट से हम यहाँ से उठेंगे उतने ही लेट तक फूड कोर्ट में बैठे रह पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा मॉल खाली हो चुका है। मेरे पीछे आप देख लो, सारे चेयर्स खाली हो चुके थे, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स ही थे। इवन कुछ कुछ दुकान में तो वर्कर्स भी चले गए थे एंड वो शॉप्स ही क्लोज हो गए थे। और जब तक हमने खाना कंप्लीट किया तब तो पूरा फूड कोर्ट एकदम खाली था, किसी भी साइड पे एक भी आदमी आपको नहीं दिखेगा। A few moments later. गाइज, हमारे साइड के फूड कोर्ट का अभी सारे लाइट्स ऑफ हो गए हैं एंड अभी सिर्फ क्लीनर्स ही मुझे नजर आ रहे हैं और कोई भी नहीं दिख रहा। तो अगर मैं अभी भी लाइट ऑफ होने के बाद यहाँ पे रहूंगी तो आई एम श्योर कि मुझ पे हर कोई शक करेगा। तो अभी मैं और यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रहूंगी, चलो कहीं पे छुपने का जगह ढूंढते हैं। यार मैं छुपने गई थी फूड कोर्ट की एकदम कॉर्नर में, पर वहाँ पे ना बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सन दिखे मुझे, तो मैं वहाँ से तुरंत भाग गई। गाइज, मैं अगर इस चैलेंज को इजी बनाना चाहती तो मैं आईनॉक्स में भी जा सकती थी, बट मैं नहीं जाने वाली हूँ। और आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा मॉल यार बंद हो चुका है, देखो इधर से हम बाहर भी नहीं जा सकते। तो पता नहीं मैं कैसे यहाँ से भाग भाग के बच बच के निकलूंगी, तो चलो चलते हैं। और मैं जिस भी साइड पे जा रही थी ना वही साइड बिल्कुल खाली खाली था, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं जाऊं तो जाऊं कहां। गाइस, हम लोग जिस फ्लोर पे थे उस फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया था, सिर्फ नीचे वाले फ्लोर में क्लीनिंग हो रहा था इसीलिए नीचे वाले फ्लोर का लाइट्स ऑन था। और हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब पता नहीं क्यों ये सिक्योरिटी पर्सन हमारे ही तरफ देख रहे थे, हम लोग बहुत छुप छुपा के कर रहे थे बट फिर भी वो हमारे ही तरफ देख रहे थे। और इस टाइम पे पूरा मॉल बंद हो चुका था, पूरा मॉल खाली हो गया था, जो भी वर्कर्स थे सब घर जा रहे थे और पूरा मॉल सिक्योरिटी पर्सन से भरा हुआ था। पता नहीं वो आदमी अचानक से मेरी तरफ फिंगर को क्यों पॉइंट किया। गाइस यहाँ पे देखो यार, एस्केलेटर बंद हो चुका है, चल ही नहीं रहा था एस्केलेटर, सारे लाइट्स भी ऑफ हो गए थे ऑलमोस्ट, बट फिर भी मैं एस्केलेटर से चोरी चोरी हम दोनों ऊपर जा रहे थे और हम लोग चोरी चोरी नीचे जो दो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। पता नहीं शायद उन्होंने हमें देख लिया। गाइस, सारे फ्लोर्स पे ना सिक्योरिटी थे बट जो फूड कोर्ट वाला फ्लोर था वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं था, तो इसलिए मैं और मेरी कैमरा पर्सन फूड कोर्ट में ही चुपचाप बैठे हुए थे ताकि कोई भी हमें नोटिस ना करे। पर अचानक हमने देखा कि एक सिक्योरिटी पर्सन ऑलरेडी एस्केलेटर से ऊपर आ रहा था। गाइस, मैं और रंजना अभी एक ही छोटा सा बाथरूम में हम दोनों एक साथ छुपे हुए हैं। मुझे नहीं पता यार मैं कैसे यहाँ पे कुछ देर भी रहूँगी। वॉशरूम यूज कर रही हूँ। इसके बाद हम दोनों ने बहुत टाइम तक वॉशरूम में ही वेट किया। गाइस, काफी देर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। फाइनली गाइस कोई नहीं है, बट अभी और टॉयलेट में हम लोग बिल्कुल ही लुक लुक सकते हैं, तो चलो बाहर चलते हैं।
यार इससे ज्यादा रिस्क मैं बिल्कुल नहीं ले पा रही थी, तो इस टाइम पे मैं नीचे चली गई। बट एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमें नीचे जाते हुए देख लिया था और उन्होंने बाकी सिक्योरिटीज को भी अलर्ट कर दिया। तो नीचे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उन्होंने मुझे बोला कि अभी मॉल बंद हो चुका है और आपको अभी के अभी बाहर जाना पड़ेगा। एंड उनको समझ में आ गया था कि मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ, इसीलिए उन्होंने खुद दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को मेरे साथ में भेजा ताकि वो मुझे बाहर गेट तक छोड़ के आ पाए। और थोड़ी देर बाद और एक सिक्योरिटी गार्ड भी हमें गेट तक छोड़ने आ गए। गाइस हर कोई मुझे ढूंढने ऊपर गया था, सारे सिक्योरिटी। तो देखो यार यहाँ पे गेट पे कोई भी सिक्योरिटी है ही नहीं और यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहता है भाई। गाइस मॉल से हम निकल चुके हैं, आप देखो पूरा मॉल का अभी लाइट ऑफ हो गया है, रास्ते में भी कोई नहीं है। इधर आओ, ये भी बैरिकेड लग चुका है, जल्दी आ जाओ। तो चलते हैं घर, मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय गाइस। टाइम हो रहा है 2:41, अभी घर जा रहे हैं। सोचो इतना ज्यादा मेहनत आई डोंट थिंक मैंने किसी भी वीडियो में किया और इतना ज्यादा डर मुझे किसी भी वीडियो में नहीं लगा गाइस। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है बहुत सारा प्यार दो, लाइक चाहिए बहुत सारा, ठीक है? और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, क्यों नहीं किया है यार, सब्सक्राइब करो, इट्स फ्री फ्री फ्री, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। मैं घर जाती हूँ और बिल्कुल हिम्मत नहीं है गाइस, बाय।